वेलकम फ्रेंड्स, हमारे लेवल टू ऑफ बोर्ड मार्क्स में आपका स्वागत है। लेवल वन की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कार्ड में आपको मिल जाएगी। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको ये लेवल टू के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। लेवल टू के अंदर हमारे थोड़े ब्रैकेट्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, सिमिलरली हम लेवल थ्री पे क्वेश्चन में जाएंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन भी दे सकते हैं। आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 5 × 2 + 7 + 3 × 3 − 8। मैं सीरियसली बोलना चाहूँगा कि जब हम स्कूल में थे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी इन वाले क्वेश्चंस को करने में। तो वेयर एज अब हमें प्रैक्टिस करने के बाद तो आसान हो जाता है ये चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की इनकी करनी पड़ती है, बिकॉज देखते समय ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो रूल के हिसाब से चलते हैं, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये रहा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमें बोर्ड मार्क्स की जगह डी मार्क्स लगाना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 15 + 7, और यहाँ पे क्या बचा, −8 + 2 × 5। अब हमने रूल आपको बताया था कि जब हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर ब्रैकेट से एक नंबर निकल कर आए, मतलब पूरा एक नंबर आए, यहाँ पे दो नंबर्स हैं। तो 7 + 15 कितना हो गया आपका, 22 हुआ। तो बाकी चीज़ों को जो आसपास हैं उनको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में लगाएंगे डी मार्क्स। डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो यहाँ पर आया 10 + 22 − 8। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, अब हम करेंगे एडिशन। तो एडिशन करते समय ये प्लस का, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32 − 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर भी 24 आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी से आप भी इस क्वेश्चन नंबर 2 को कर लें ताकि हमारे साथ आप अपना आंसर चेक कर सकें। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपका आंसर ठीक आया तो, हमें भी खुशी होगी आपका सही आंसर देखकर। और आपकी नॉलेज में अगर लगता हो कि कोई और आंसर हो सकता है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका कमेंट को हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो ठीक है, तो पहले ऑफ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, आगे क्या है −8, और यहाँ पर बचा +7। 7 + यहाँ पे कितना बचा, 2, आंसर हो गया 9। बहुत ही इजी लग रहा होगा देखने में, बट सीरियसली मैं आपसे एम्पथाइज कर सकता हूँ कि ये मुश्किल होते हैं क्वेश्चंस करना, बट कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आंसर आराम से आपको मिल सकते हैं। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, 8 − 3 कर देते हैं। पहले 8 − 3 5 × 2, यहाँ पर आ जाता है उनका 10, ये गलत होगा आंसर। आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स का कई बार ये फेवरेट माना जाता है। 9 − 3 / 1/3 + 1, तो पहले डिवाइड करना है। जब इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, डिवाइड, तो इसका मतलब होता है राइट वाला हो जाता है रेसिप्रोकल। तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ पहले। सो 3 / 1/3, 3 × 3 = 1, तो आंसर आया 9। तो इसका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 9। 9 − 9 = 0। अच्छा, मैं आपको अपने ही तरीके से बता देता हूँ जो हम एडिशन वाला करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बचा हो, तो ये भी एक रूल होता है। बाकी अगर आपको एडिशन ही करना है पहले, आप बोलेंगे सर आप पहले सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हो, पहले एडिशन करो। तो पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज़ उसको देख लें। प्लस ये है और ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा इन दोनों का, आ जाएगा 10। 10 − 9 = 1। अगर आप दूसरे तरीके से करें, सर 9 − 9 = + 1 = 1,
दोनों ही तरीके ठीक हैं, तो उन दोनों में कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया, मैं करता हूँ, आप पहले कर रहे हैं इसको। 50 माइनस, देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, कितने सारे ब्रैकेट हैं इसके अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ब्रैकेट क्लोज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, बार वाला हो गया, वेनिकुलस बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो पहले इसी तरी ऑर्डर में ही सॉल्व होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ सॉल्व इसके अंदर नहीं हो सकता। तो लकीली यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पर, 6। तो ये वाला ब्रैकेट छोटा वाला तो सॉल्व हो गया, तो इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा, 3 प्लस 20, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, -50। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 20 प्लस 3, 23 आया, -6। अभी कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे नहीं क्योंकि अभी भी इसको सॉल्व करना बाकी है। 23 माइनस 6 कितना बचा आपको, 17। 17 मतलब खतरा, कोई बात नहीं, खतरा नहीं है, हमारा आंसर एकदम ठीक आने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 40 आया और आ गया 33। ओके, 33 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैंने थोड़ा डेसिमल में एंट्री मारी है यहाँ पर, ताकि आपको डेसिमल के क्वेश्चंस भी आपको करा सकें। नेक्स्ट लेवल पे हम इसको क्वेश्चंस को इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, उनकी तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जो बाकी जो लेवल्स हैं, मतलब फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रूल तो सेम लगता है। बोर्ड मास का यूज़ कब होता है हमें पता कैसे चलेगा, वहाँ पे कहीं क्वेश्चन में लिखेगा नहीं। क्वेश्चन में अगर मल्टीपल ऑपरेशन आ जाते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही जगह पे आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हमें बोर्ड मास लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर आपको खुद जाके टीचर बताएगी नहीं कान में, बेटा हमें बोर्ड मास यूज़ करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 0.10, 0.2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 0.2, एक डेसिमल शिफ्ट, आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 माइनस 1.2, -5 डिवाइडेड, और ये 50। अभी भी ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 माइनस 1.2, तो 2.0 है, 1.2 माइनस करेंगे क्या आएगा, ऐसा तो दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा, 0.8 आना है, बट तब भी तो 10 आया, या 1, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0, तो 0.8 आंसर। ये उन बच्चों के लिए जिनको डेसिमल की डिवीजन नहीं आती या सब्ट्रैक्शन नहीं आती। अब हमारे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं बचा है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 आया, 3 माइनस 0.8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 माइनस 0.8, तो 3.0, 0.8, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो यहाँ पर आया 10, यहाँ पर आया 2, 10 माइनस 8 इज 2, डेसिमल 2 माइनस 0 इज 2, तो 2.2 इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपके आंसर सारे के सारे ठीक होंगे। आपके लिए 2 क्वेश्चन लास्ट के जो हैं वो होमवर्क में हैं, आप इसको कॉपी कर लें। और अभी के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर लें, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।